जो है मैं आमंत्रण देना चाह रही हूँ सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद आदरणीय ज्ञानेंद्र रावत जी को, क्योंकि उन्हें किसी एक अन्य आयोजन में भी जाना है। हालांकि हम चाह रहे थे कि वो पूरा समय हमारे साथ जुड़े रहते, लेकिन उनको सुनना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी निश्चित तौर पर हम सभी के लिए। तमाम अनुभव उनकी जिंदगी के हम सुनेंगे, तो सुनते हैं आदरणीय ज्ञानेंद्र रावत जी को। आज के दिन का आयोजन भाई डॉक्टर नागर जी के प्रयास का प्रतिफल है, और इसके साथ मैं मंचासीन परम आदरणीय सिरोही जी, नगर प्रमुख बहन आशा जी और इस अंचल के हरितमा बनाए रखने के लिए जो जिम्मेवार हैं बहन दीक्षा भंडारी जी, और विद्युत जनों का आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज का दिन नदी मंथन का है, हिंडन मंथन का है, तो बात हिंडन मंथन की जाए। जहाँ तक नदी मंथन का प्रश्न है या नदियों का सवाल है, हमारा देश नदियों के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा समृद्ध देश है और नदियों की पूजा करने वाला देश है। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं जहां नदियों की पूजा की जाती हो, लेकिन विनम्रता है कि 465 नदियों में से 373 नदियां जिस देश में नदियों की पूजा की जाती है वह प्रदूषित हैं, मरने के कगार पर हैं, और उनमें 13 नदियां ऐसी हैं जिन्हें अगर मृत प्राय कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और उनमें आज जहां हम बैठे हैं हिंडन नदी प्रमुख है। यह शर्म की बात है, यह शर्म बाहर वालों के लिए नहीं, यह शर्म गाजियाबाद के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है कि वो जहां रहते हैं बसते हैं वह नदी सबसे ज़्यादा गंदी है, प्रदूषित है। उसका जल वैसे तो जैसे हम मोक्षदायिनी कहते हैं गंगा, उसका भी जल अब आचमन लायक नहीं बचा, तो हिंडन की तो बात ही क्या है। लेकिन गाजियाबाद के लोगों को इस बात की भी एहसास होना चाहिए कि परसों स्विस एयर की रिपोर्ट आई है, तो हमारे गाजियाबाद की हिंडन तो गंदी है ही, हिंडन पर तो शर्मनाक धब्बा है ही, लेकिन गाजियाबाद शहर पर भी इतना बड़ा धब्बा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा 22 प्रदूषित देशों में से शहरों में से गाजियाबाद सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण के मामले में प्रदूषित है। यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, हम बात करते हैं गर्व की, किस बात का गर्व करें? गर्व इस बात का करें कि हमारी मोक्षदायिनी नदियाँ जिन्हें हम पूजते हैं माँ की तरह पूजते हैं वो गंदी हैं, प्रदूषित हैं, उनमें हम स्नान नहीं कर सकते, उसमें हम उनका जल आचमन लायक नहीं है। लेकिन वह जल आचमन की बात छोड़िए, उस जल को छूने से हमारे त्वचा का कैंसर होता है, उस जल का स्पर्श करने से 17 बीमारियों के रोग के शिकार होते हैं। तो विडंबना है, हमारे बीच ज़्यादा समय नहीं है, नदियों पर मंथन तो बहुत चल सकता है, लेकिन चूंकि गाजियाबाद की प्रथम महिला हमारी बहन आशा जी विराजमान हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि
कि उनके प्रयास हिंडन नदी के लिए स्तुति योग्य हैं। हमारी बहन दीक्षा जी हैं, उनका प्रयास इस अंचल के लिए हरितमा बनाए रखने के लिए प्रशंसनीय है। वह प्रयासरत हैं लगातार, मेरा उनसे केवल दो ही बार संपर्क हुआ है और मुझे खुशी है कि वह इस मामले में हमेशा अग्रणी रहा करती हैं। इस मंच पर पर्यावरण के क्षेत्र के, पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र के प्रबुद्ध जन विराजमान हैं, प्रोफेसर्स हैं, सिराजुद्दीन भाई हैं, और मैं आप सबसे, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मंचासीन व्यक्तियों का जो दायित्व होता है वो दायित्व होता है समाज और वहाँ उपस्थित लोगों को जागृत करना, लेकिन उसको अमल में लाने का दायित्व जन सहभागिता के बिना असंभव है। कार्य कोई भी हो, अभियान कोई भी हो, जन सहभागिता के बिना असंभव होता है। हमारे यहाँ अधिकारियों की भूमिका क्या होती है, सबसे बड़ी विडंबना इसी बात को लेकर है। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं समस्या के निवारण की दिशा में, अनथक प्रयास करते हैं, लेकिन उनको जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता। हिंडन की विडंबना के लिए हम ही दोषी हैं। अधिकारियों को दोष देना उतना आसान नहीं है। अधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन कारखाने के मालिक तो हम ही होते हैं, उद्योगों के मालिक तो हम ही होते हैं। क्या हम नियमों का भलीभांत पालन करते हैं? क्या हम कारखानों का जो अपशिष्ट है उसका शोधन करते हैं? नहीं करते। हम तो बस कारखाने के अपशिष्ट को नदी नाले में बहाना जानते हैं। तो साफ है कि हम भी उस दायित्व से विमुख होते हैं और उसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। गंगा हो, देश की और नदियां हो, हिंडन हो, कोई भी हो, उसके प्रदूषण के लिए हम सब दोषी हैं। लेकिन यहाँ प्रयास इस बात के साक्षी हैं, और अभी अभी हमारे भाई संजय जी ने बताया कि नगर निगम का प्रयास इसके लिए स्तुति योग्य है कि वह हिंडन को साफ करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं, और बहन आशा जी इस दिशा में एक गंभीरता पूर्वक रुचि ले रही हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। नदियां हमारी स्वच्छ बहें, अविरल रहें, उनकी अविरलता कायम रहे, इसके लिए हमें भी आगे आना होगा। मंचासीन व्यक्ति, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आपके लिए आदर्श होते हैं, बताते हैं, दिशा देते हैं, लेकिन उसको अमल में लाना हम सबका काम होता है। हम सब उन कार्यों को, उन अभियानों को परिणति प्रदान करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के दिन मैं अपनी बात को विराम करते हुए मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब हिंडन, जिसे हर नंदी कहते हैं, जिसका नाम हर नंदी है, और हर नंदी के लिए संघर्षरत यहाँ बहुतेरे
योद्धा हमारे सामने हैं, प्रशांत वत्स जी भी हैं, संजय जी भी हैं और लोग हैं, सत्येंद्र जी, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और ये आशा करता हूं कि ये नदी पुनः अपने प्रारंभिक रूप में आएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, चूंकि मैं एक साल बाद, एक साल 14 दिन बाद आज कुछ अस्वस्थता और कुछ विवशता की वजह से आज सामाजिक जीवन के पहली बार नागर जी के अनुरोध पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्या बात, बहुत शुक्रिया। मेरा शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ईश्वरीय वरदान है कि व्यक्ति कभी एक सा नहीं रहता, लेकिन मेरी आशा आकांक्षा ये इस बात की है कि आप सबका प्रयास सफल होगा। इस हिंडन महोत्सव के मंच से मैं आशा करता हूँ कि हिंडन पुनर्जीवित करने में आप सभी का सहयोग प्रशंसित होगा, महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद, जय जगत, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, और निश्चित तौर पर आपकी ये बातें हम पूर्णतः पालन करेंगे। और चूंकि सर को जाना है तो मैं सविता तनेजा जी हमारे बीच में हैं, वे आएं और उन्हें स्मृति चिन्ह दे करके उनका सम्मान करें। सविता जी प्लीज़ आप मंच पर आएं।